understanding what मीन वैल्यू Theorem इज मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दिया शीट में अब हम समझते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है सो लेट्स स्टार्ट बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है वो कहती है कि एक फंक्शन है विद डोमेन ए बी वो एक डिफाइंड है एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी एंड डिफरेंशियबल एज वेल कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हम यूजअली रिप्रेजेंट करते हैं विद विद्लोज इंटरवल ब्रैकेट और डिफरेंशियबल को हम ओपन इंटरवल से करते हैं बिकॉज वो इंक्लूड नहीं करते हमारे एंड इंटरवल्स एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता डिफरेंशियबिलिटी के केस में ठीक है अभी हम ये दो पॉइंट समझे हैं कि हमारा एक फंक्शन ए बी डोमेन पे डिफाइंड है और वो कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है ऑन दो पॉइंट ए एंड बी अभी ये वाली वाली स्टेटमेंट जो है ये भूल जाओ अभी सिर्फ ये फर्स्ट दो लाइन देखो अब इन दो फर्स्ट लाइन पे हम अपना ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा ठीक है तो दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस ठीक है अब हमें गिवन है कि हमें फंक्शन ए बी हमें दो पॉइंट्स गिवन है ए बी उस फंक्शन के जिसपे वो डिफाइंड है तो लेट्स से दिस इज एन ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट रोल्स थ्योरम आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी रोल्स थ्योरम में हमारी एक और कंडीशन डिफाइंड थी कि वो वैल्यू ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल तो हमने सेम वैल्यू पर बनाया था ग्राफ को लेकिन इस केस में मीन मीन वैल्यू जो हमें ऐसा कुछ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है कि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी इक्वल है तो लेट्स से हम स्ट्रेट वाला नहीं बनाते हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं लेट्स से ये है हमारा फंक्शन ऑफ ए एंड लेट्स से यहां पर है फंक्शन ऑफ बी ओके ये है हमारा तो हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हम ग्राफ को ऐसे बना देते हैं कि हमें ऐसा ग्राफ है कि वो पहले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है ठीक है तो ये है हमारा ग्राफ हुआ अब लेट्स से ये दो पॉइंट है ये पॉइंट हुआ हमारा ए और ये पॉइंट हुआ हमारा बी ओके okay, तो ए और बी की कोऑर्डिनेट्स क्या हुए ए बी में देखो ए पे एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू क्या है ए पे फंक्शन ऑफ ए ठीक है सिमिलरली बी पर है बी एक्सिस पे और वाई पे है फंक्शन ऑफ बी ठीक है तो ये दो पॉइंट हमारे डिफाइन हो गए ए बी ठीक है अगर अब आपको बताओ हमें जब ग्राफ की एक स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट्स पे हम यूजुअली क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं ठीक है तो इसका स्लोप जो होगा हमने यादें पढ़ा था आपको याद होगा हमने इलेवंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था जब हमें एक दो पॉइंट एक स्लोप निकालना होता है जहां पे हमें दो पॉइंट्स दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो यूजअली स्लोप का फार्मूला क्या होता है स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन रिमेम्बर तो अगर हमें इस m का स्लोप निकालना है एट पॉइंट ए बी तो क्या होगा हमारी वैल्यू y2 क्या है हमारा इस केस में फंक्शन ऑफ b y1 क्या है फंक्शन ऑफ a x2 क्या है हमारा b माइनस ए तो ये आया हमारा स्लोप ऑफ एम स्लोप आया एम हमारा ए बी पर ओके okay. अब हमें बताना है अगर आप सोचो ये हुआ अगर ये हमारा स्लोप है हमारे इस आ, ग्राफ में इस कर्व में कोई भी कोई एक पैसा पॉइंट होगा ना जिसका टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन के पैरेलल होगा लाइक लेट्स से इफ दिस इज अ पॉइंट अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सो so सी ये हमारे इस लाइन के पैरेलल है ना लाइन एल के लिए पैरेलल होगा ठीक है अभी हम मैंने ये बनाया एक रैंडमली भी एक और ग्राफ बना के मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कि रैंडमली हमें एक ये ग्राफ के है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ठीक है लेट्स से ये हमारा पॉइंट ए बी जरूरी नहीं है वैसे ही ग्राफ बने जैसे ये दो पॉइंट ए बी कंसिडर करते हैं ये है हमारा फंक्शन ऑफ ए और ये फंक्शन ऑफ भी तो इसपे हमने जैसे लेट्स से ऐसे बनाया ठीक ये हमारा एक ग्राफ बना ओके ये मेरा बी पॉइंट ये मेरा ए पॉइंट अगर मुझे इस पे ग्राफ बनाना है इसका अगर मुझे स्लोप निकालना है एम तो मेरा वही पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन पे ये मेरा एम होगा तो जैसे हमने इसमें बताया कि हमारा किसी एक पॉइंट पे ऐसा टेंजेंट रो होगा जो हमारे स्लोप के पैनल होगा सिमिलरली इधर भी हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें हमारा वो टेंजेंट के पैरल होगा सिमिलरली वो हेयर हेयर एंड ऑल्सो हेयर तो जरूरी नहीं है सिर्फ इसी ग्राफ में कोई भी रैंडमली ग्राफ बनाएंगे तो ये कंडीशन हमारी किसी एक पॉइंट पे सेटिस्फाई होगी होगी तो लेट्स से वो पॉइंट है हमारा यहाँ पे C और x एक्सिस पे वो C ठीक है अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर हमारा स्लोप निकालना होता है हमें किसी एक स्ट्रेट लाइन पे तो जहां पे दो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं तो यूजुअली हम ये वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं लेकिन अगर हमें स्लोप निकालना होता है कर्व पे तो आपको पता होगा जब हमने डेरिवेटिव्स का सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था तो डेरिवेटिव्स में मैंने आपको बताया था कि वो यूजुअली स्लोप के इक्वल होता है ग्राफ में रैंडमली अगर हम नेचुरल रियल लाइफ एक्सपीरियंस एग्जाम्पल लेते हैं तो डेरिवेटिव जो होता था वो रेट ऑफ चेंज होता था लेकिन मैं आपको होता था जब हम उसको ग्राफ की फॉर्म में बेसिकली डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव को इट विल यूजली बी इक्वल टू स्लोप तो अगर हमारा वो पॉइंट अगर हम उसी पॉइंट को कंसिडर कर करके समझेंगे इस पॉइंट पर हमारा जो ये स्लोप होगा कर्व के स्लोप हम कैसे निकालते थे डिफ्रेंशिएशन करके डिफरेंसिएशन निकाल कर तो हमारा स्लोप क्या होगा फंक्शन का स्लोप ऑफ एफ एट सी क्या होगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ सी होगा ना एफ डैश सी ठीक है तो अगर हमारा उस पर आपको बताया कि वो हमारा लाइन एल के पैरल है लाइन एल और हमारा एम स्लोप पैरल है तो बेसिकली हमारा पॉइंट जो हमने फर्स्ट और सेकेंड निकाली है स्टेटमेंट वो इक्वल होगा तो मतलब क्या हुआ हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा और यही हमारी थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि हमारे अगर ये एक फंक्शन डिफाइंड है जो कंटिन्यूस और डिफ्रेंशिएबल है तो एग्जिस्ट करेगा हमारा एक सी पॉइंट ए और बी के रेंज के वैल्यू के बीच में सच दैट उसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा तो हमने बेसिक एग्जाम्पल लेकर दो रैंडमली निकाल के देखा कि हमारा वो सेम होगा तो दिस इज ओनली द मीन वैल्यू थ्योरम एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से और समझते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम एक फंक्शन के लिए एक फंक्शन है एफ एक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरवल क्या है इन इंटरवल टू कॉम फोर ठीक है हमने रोल्स थ्योरम में कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि कैसे करते हैं सिमिलरली हमारी कुछ कंडीशंस मीन वैल्यू थ्योरम में भी एप्लीकेबल होती है तो मीन वैल्यू थ्योरम में हमारी पहली कंडीशन होती है कंटिन्यूस का देखो यहाँ पे तुम जब डेफिनेशन देखोगे तो सबसे पहले कंटिन्यूस चेक करना है हमें क्या चेक करना है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं तो एफ एक्स है आपका एक्स स्क्र तो मैंने आपको रोल्स एर में भी बताया था और पहले भी आपको है कि हमारे जो पॉलिमियल फंक्शन होते हैं एक्सप्रेशन होते हैं वो यूजली हमारे कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशियेबल भी होते हैं तो मैंने आपको बताया था अगर बोर्ड के पेपर में आते तो यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट कि वो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है वरना आपको पॉइंट मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा वी नो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज़ कंटिन्यूस इन टू कॉम फोर तो ये पहली कंडीशन हुई सेकेंड कंडीशन हमें डिफ्रेंशियबल चेक करना है तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्शिएबल इन टू कॉम फोर इसमें हम ओपन ब्रैकेट्स लेंगे थर्ड हमारा क्या है थर्ड कंडीशन में हमें बेसिकली चेक करना है जो हमारा है हमारा कि ये चेक करना है कि एक फंक्शन वैल्यू हमारी सी एग्जिस्ट करनी चाहिए बिटवीन ए एंड बी जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आएगा तो फॉर्मूला लिख दो क्या है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए तो हमें इसके एक बार इसका निकालना है और एक बार इसका निकाल के हमें सी की वैल्यू निकालनी है एंड देन वी नीड टू चेक की जो सी है हमारा इंटरवल टू और फोर के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर आ रहा है तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही है वरना नहीं हो रही है। तो पहले एफ डैश सी निकालते हैं हमें एफ एक्स पता है क्या है एक्स स्क्वायर तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा टू एक्स डेरीवेटिव और एफ डैश सी क्या होगा हमारा टू सी एफ डैश सी निकल गया टू सी अब यहां निकालते हैं फंक्शन ऑफ ए क्या है हमारा फंक्शन ऑफ ए हमारा टू पे तो एक्स टू स्क्वायर फोर आया हमारा फंक्शन ऑफ बी क्या है हमारा फोर स्क्वायर सिक्सटीन ठीक है अब निकालो एफ बी क्या है हमारा सिक्सटीन हुआ माइनस फोर अपॉन बी क्या हमारा फोर और ए है हमारा टू तो सिक्सटीन माइनस फोर इज ट्वेल्व फोर माइनस टू टू तो ये आया हमारा सिक्स तो लिख दो टू सी की वैल्यू क्या आई सिक्स की इक्वल तो सी की वैल्यू आई हमारी थ्री और सी देखो हमारा बिटवीन टू एंड फोर है थ्री बिलोंग्स टू करता है टू टू फोर तो हमारी क्या हुआ मीन वैल्यू थोरम इज वेरीफाइड देर फोर वैल्यू थियोरम इज वेरीफाइड हमें हर क्वेश्चन बस ऐसे ही सॉल्व करके चेक करना है कंटिन्यूटी देन डिफ्रेंशेबिलिटी एंड देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इस फॉर्मला से अगर सी हमारा इंटरवल के बीच में आता है और बी के तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाती है अदरवाइज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैव इन डन इटेड एंड लाइक द वीडियो थैंक यू